क्या ईशा के एक्सीडेंट के पीछे है आशिका का हाथ? क्यों सभी को हुआ हरिणी पर शक? क्या करेगा रजत आशिका का सच बाहर आने के बाद? स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी दिन पर दिन काफी ही दिलचस्प होती जा रही है, जहां पर हर रोज नए खुलासों के साथ साथ शो में एक नया ही एंगल देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये शो ऑडियंस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा है। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे इस सीरियल से जुड़ी सभी जूसी खबरों के बारे में। दरअसल शो के अपकमिंग एपिसोड में होने वाला है एक बड़ा खुलासा। जी हाँ, क्योंकि जहां अभी तक सभी को ये लग रहा था कि ईशा के एक्सीडेंट के पीछे और कोई नहीं जिगर का हाथ है, तो वहीं आपको बता दें कि मेकर्स ने डाल दिया है शो में एक सॉलिड ट्विस्ट। जी हाँ, क्योंकि रजत और सभी जाने वाले हैं उस शख्स के घर जिसको अर्श ने अपनी कार यानी कि ईशा के एक्सीडेंट करने वाली कार को बेचा था, ताकि उन्हें असली मुजरिम का पता चल सके। दरअसल रजत, सभी और आशिका हॉस्पिटल में ही होंगे, जहां पर सभी तो रजत के साथ आई होगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर आशिका कियान के स्टेम सेल प्रिजर्वेशन को रिन्यू करवाने के लिए आई होती है, जहां पर जब आशिका सभी को रजत के साथ देखेगी तो उसका गुस्सा काफी ही हो जाएगा। जिसके बाद रजत जब ब्लड टेस्ट के लिए इंजेक्शन लगवा रहा होगा, तो वो डर की वजह से सभी का हाथ जोर से पकड़ लेगा, जिसे देखने के बाद आशिका को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। बता दें कि इसी बीच सभी को हॉस्पिटल में हरिणी दिख जाएगी, जिसे देखकर सभी को हैरानी होती है कि हरिणी ने उससे झूठ बोला। दरअसल हरिणी अपनी प्रेगनेंसी की खबर सभी से छिपा रही होती है, जिसकी वजह से वो वंश को पिक करने के लिए भी नहीं जा पाती। ऐसे में वो सभी को कॉल करके उसे भजन मंडली में जाने की बात बताती है, लेकिन यही सभी की नजर हॉस्पिटल में हरिणी पर पड़ जाएगी, जिसकी वजह से उसे हरिणी की बातों पर शक हो जाएगा। ऐसे में सभी डायरेक्ट जब हरिणी से मिलती है, तो वो उससे उसके झूठ बोलने की वजह पूछती हुई नजर आती है, जिसके बाद हरिणी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए किसी को भी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताने का बड़ा फैसला करेगी। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि शो के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है एक शॉकिंग ट्विस्ट, जहां पर रजत को पता चल जाएगा कि ईशा का एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि आशिका है, जिसके बाद वो आशिका को पुलिस के हवाले करने के बारे में सोचता हुआ नजर आएगा। तो वहीं दूसरी ओर आशिका अपने बच्चों का वास्ता देते हुए रजत को भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या करेगा अब रजत इस सिचुएशन में, किसका देगा साथ, सभी का या फिर अपनी एक्स वाइफ का? क्या होगा आगे सीरियल में, नया हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।